तो साथियों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कमाल का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, जिस वीडियो को बना के दोस्तों अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे तो गाइस उस वीडियो से आपका अच्छा खासा इंप्रेशन बन सकता है। फिलहाल गाइस अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस तरह के वीडियो को देख रहे हैं, आज दोस्तों मैं आपको कुछ इसी टाइप का वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस गाइस आप यहाँ पे स्काई के सामने जाइएगा, देन आप यहाँ पे चल के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के तौर पर रोहित भाई की इस वाले वीडियो को दिखाया है, आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर एक्टिंग करके वीडियो को शूट कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आप अगर मुझे नहीं जानते या फिर मुझे ही बकते हो या पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR कांडा में। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। साथियों इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने कैपकट का लेटेस्ट वर्जन का लिंक देके रखा है, आप दोस्तों कैपकट को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद साथियों अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन जैसा मैंने आपको चलकर वीडियो शूट करके दिखाया है आप जो अपना वीडियो शूट किए हैं उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले गाइस आपको अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे 0 पे पहुँचा दीजिएगा। पहुँचाने के बाद दोस्तों वीडियो को लास्ट में आके ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड इसको आप यहाँ पे डिलीट करके हटाइएगा। हटाने के बाद साथियों अभी आपको अपने वीडियो को स्लो मोशन में करना होगा। अभी अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं, देख सकते हैं यहाँ पर रोहित भाई का वीडियो आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, तो स्लो मोशन करने के लिए दोस्तों आप वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर नॉर्मल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इस साइड में इसको घिसकाना होगा। जितना आप इसका इस साइड में जितना घिसकाइएगा उतना ज़्यादा स्लो मोशन में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5x रखने देता हूँ। रहने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को मैं प्ले करूँगा कितना बढ़िया से यहाँ पर स्लो मोशन में हो चुका है और स्मूथ भी कितना बढ़िया लग रहा है। अभी आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आना है। आने के बाद गाइस अभी आप यहाँ पे जो ओवरले वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप इस वाले ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक कर दिएगा, देन ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 स्काई का वीडियो का लिंक देके रखा है, आप दोस्तों वहाँ से डाउनलोड करके कुछ भी स्काई वाला वीडियो का आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो ये पुष्पा मूवी जो नया आया है उसका ट्रेलर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद दोस्तों अभी अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से वीडियो को एडजस्ट कीजिएगा, देन आपका जो स्काई है जस्ट इतना में आपको यहाँ पर लाना होगा। लाने के बाद साथियों अभी आप नीचे में देखोगे तो गाइस आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको गाइस यहाँ पे मार्क्स वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा। अगर गाइस इस जगह पे आपका नॉन इंटरनेट कनेक्शन दिखाता है तो आपको किसी एक VPN सॉफ्टवेयर को पहले कनेक्ट करना होगा, देन आपने कैपकट ऐप के अंदर एडिटिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ से मेरा स्काई स्टार्ट हो रहा है, जस्ट इतना मैं इसको लाइन को रखूंगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पर खींच देना होगा कुछ इस टाइप से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना होगा। अभी अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं, देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो मेरा आधा रेडी हुआ है, ठीक है। आधा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फेस जो है गाइस ढक जा रहा है। अभी आपको अपना जो वीडियो उस पर आप क्लिक करना होगा, देन ऊपर में आप यहाँ पे देखो तो कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पहले कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इन्हीं को थोड़ा स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इसको पकड़िएगा कुछ इस टाइप से फर्स्ट तरफ में आप इसको ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको रिमूव करना होगा, उसके लिए गाइस आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड का परसेंटेज दिख रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पे 100% होने तक का वेट कर लेना होगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अभी अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं वीडियो गाइस यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके कुछ इस तरह का स्काई वाला वीडियो अपने इस तरह का वीडियो जो है अपने स्काई में आप लगा ले सकते हो। अभी जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा जो आपको बीच में आप वीडियो एड किए स्काई वीडियो को उतना रखे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटाइएगा। देन इस वाले वीडियो को 4K में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए 1080p ऑप्शन वाले क्लिक कीजिएगा, देन आपको यहाँ पे 4K वाले में चला जाना होगा और 60fps में आपको अपना वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो का जो ट्यूटोरियल है वो कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भेजिएगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो का डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो भाई के चैनल समझ के सपोर्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।